बॉडी लैंग्वेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कायदे आजम को किसी एक जगह के ऊपर किसी एक जगह पे आपने देखा मैंने क्या कहा सॉरी क्यों, व्हाट डज दैट कम्युनिकेट, माय डीप रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी फॉर हिम। सो कायदे आजम को किसी ने किसी इलाके में वो एक जलसे के लिए गए हुए थे तो उन्होंने अपना लोकल लिबास जो है वो पेश किया। कायदे आजम ने ये कहकर पहनने से इनकार कर दिया कि जो लिबास पहनने की मुझे तमीज नहीं है, देखिए क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं, जो लिबास पहनने की मुझे तमीज नहीं है वो मैं जेबतन नहीं कर सकता। राइट, सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी सब्जेक्टिव। ये आपका अपना हुस्न है जिसे आपने तलाश करना है, जिसे आपने तराशना है। राइट, अब उसे तराशते हुए किसका उसमें कुछ अंग या रंग आ जाता है, प्लीज डोंट माइंड दैट। तो आप अपना अंग तलाश करने की कोशिश कीजिए और उसमें उस रंग में किसी और का अगर कोई बीच में थोड़ी सी मिक्सिंग आ जाती है डोंट माइंड इट। उसे प्रोजेक्ट इतने खूबसूरत अंदाज से कर दे दैट हू यू डिस्प्ले इट दे लाइक इट। वो ये कहें कि हक अदा कर दिया यार इसने, समझ रहे हैं ना बात। तो बहुत ज्यादा निटी ग्रिटीज में बहुत आगाज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन यू बिगिन स्पीकिंग विद समवन इट्स इम्पोर्टेंट टू डू अ क्विक कैलिब्रेशन। मकसद क्या होना चाहिए इस सारे बीच में, आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो डिलीवर हो जाए, जो प्रोडक्ट उसको आप डिलीवर करना चाहते हैं मकसद तो वो है ना। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, कहीं जोड़ तोड़ करना पड़ता है, थोड़ी सी तराश कराश करनी पड़ती है, लेकिन करेगा कौन? जब आप उस चीज को जानने की सलाहियत पैदा कर चुके होंगे वो कर पाएगा, नहीं समझ रहे? और इट अदरवाइज इट विल बी अ म्यूजिक टू यू हू यू कैन नॉट डिसाइफर। एक ऐसा रिदम होगा, ऐसी लिरिक्स होंगी जिसका मतलब आपको पता नहीं चल रहा। So, इस हवाले से कैलिब्रेशन, क्विक कैलिब्रेशन, पार्टिसिपेंट को, उनके मूड को, उनके एक्सप्रेशन को देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुझे यहां पर क्या करने की जरूरत, जिसकी एक एग्जांपल मैंने डीएसडी के हवाले से आपको दे दी। राइट, आगे बढ़ते हैं। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मोमेंट ईच एंड एवरी थिंग दैट यू डिस्प्ले थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू द पिच ऑफ योर वॉइस, यू आर एग्जिबिटिंग मैसेजेस through your non-verbals that you are not hostile to anybody. At times your open palms, they are the welcoming gestures. You are trying to show that I am not holding any guns with me. Mere haatho ji, mere haatho mein koi ammunition nahi hai. Ye aapka mind ise is tarah se receive kar raha hota hai, because aap jis tarah se yahan par baithe hue hain, aapki jo बिल्ट है वो हजारों साल पहले से हो रही है। आपके अजदाद जो हैं, जो शायद गारों में रहा करते थे, वहां से सेट पैटर्न्स जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं जीन्स की सूरत में। राइट, इसमें अभी एक एक्सप्रेशन था जिसमें एक साहब ने अपने कॉलर के नीचे इस तरह से उंगली रखी भी थी जब ये साहब लोग यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं। राइट, तो उसमें उससे क्या मुराद होती है? आपको पता है पुराने जमाने के अंदर ये लोग जो है जब वो जंगलों में रहा करते थे तो ये बिग कैट्स जो हैं, दे वर योर बिगेस्ट एनिमीज। और आपको पता है कैट्स जो है वो क्या करती हैं, शेर वगैरह जो होते हैं वो अटैक ही यहां पे करते हैं आपको। तो ये नॉन वर्बल जो है ना, इससे क्या मुराद हो रही होती है कि शायद आप कुछ भांप रहे हैं ऐसा विच इज नॉट सूटेबल टू यू, विच मे बी सिग्निफाइंग सम, गेटिंग माई पॉइंट? बैठे बैठे जो है वो पता नहीं क्या होता है, एंड समटाइम्स यू स्टार्ट। So as a trainer, you need to be watchful. तो ऐसी सूरत में आपने मे बी अगर आपका कोई जेस्चर, समटाइम्स ह्यूमन हैबिट्स भी आपने फॉर्म कर ली होती है, लेकिन उससे अगर आगे जाके थोड़ी सी बात आपने करनी हो तो आपने इनका तोड़ अपने पास रखना है। एंड यू डेफिनेटली हैव टू लुक एट योर सेल्फ, कोई जेस्चर ऐसा आप डिस्प्ले तो नहीं कर रहे जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है वो अपने आपको हॉस्टाइल महसूस कर रही है। राइट, सो यू डू हैव टू मेक द कैलिब्रेशन जो पीछे हमने बात भी की। ओके, आपके ख्याल में आप अभी तक बॉदर कर रहे हैं मुझे बैठकर सुनना और आप खुश हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने शुरू से लेकर अब तक कही हैं, या वो पहले शायद 5 मिनट हैं जो मैंने गुजारे हैं यहां पे आके? नहीं, नहीं,
कंटिन्यू चल रहे हैं और उसमें चेंज आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसको वे करने की कोशिश करें तो आउट वे कौन सी चीज कर रही होगी? फर्स्ट फाइव मिनट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिड गिव माई इंप्रेशन टू यू, राइट? मे बी माई स्माइल्स वन यू, आई वॉज प्लेजेंट, आई डिडंट टेल यू राइट नाउ कि मेरी दाई टांग के अंदर थोड़ी दर्द हो रही है। अभी तक आपको उस चीज का अंदाजा नहीं हुआ होगा। तो ये सारी आपकी पर्सनल चीजें हैं, आपने इनको किस तरह से मैनेज करना है, ओवरकम किस तरह से आपने करना है। आपको लग रहा है कि मैं मुसलसल जो स्वेटिंग कर रहा हूं, दिस इज बाय डिफॉल्ट विद मी, राइट? जो जितनी भी स्वेटिंग मुझे हो रही है वो मेरी परफॉर्मेंस में कहीं हायल हो रही है, कहीं लग रहा है ऐसा आपको? नहीं लग रहा हो? ये मेरी पर्सनल चीज है, मैं इसके ऊपर ओवरकम कर जाता हूं। आई कंसिडर यू टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग बैठे हुए हैं और मुझे आज बोलने का यहां पे मौका मिला आपके सामने। सो आई बेटर माइंड ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। प्लीज स्टार्ट कैलिब्रेटिंग, स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर ऑलरेडी एन अकम्प्लिश्ड ट्रेनर। इसको अपने ऊपर सवार करें, अपने हवास के ऊपर, और फिर आपको करना आसान हो जाएगा। एज फार एज ह्यूमर इज कंसर्न्ड, ह्यूमर जो है मैं उसको बलूगत से कम नहीं समझता। तो ये चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर इनका वरूद होता है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो स्टार्ट में स्टेयरिंग के ऊपर आपके हाथ नरम होते हैं, सख्त होते हैं, और जो जो ड्राइविंग आनी शुरू होती है फिर क्या होता है? फिर तो आप साथ विसलिंग भी कर रहे होते हैं और बाजू का तो स्टेयरिंग पे हाथ नहीं भी होता, या अगर हाथ होता भी है तो चंद इशारे के लिए, चंद उंगलियां उसके ऊपर। इट हैपन्स, इट कम्स टू यू विथ टाइम। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि अवाइल में ही अपने ऊपर इतना बोझ मत लाद लें कि ये कैसे होगा, ये होता चला जाएगा, ये होता चला जाएगा, कुछ ये सोचे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो मैटर हाउ ग्रेट अ कॉन्टेंट समबडी हैज प्रिपेयर्ड, यू मे नॉट बी शोइंग योर लाइकिंग टू लिसन टू हिम अनलेस ही हैज सोल्ड हिमसेल्फ टू यू फर्स्ट। आप बेचने वाले को पहले खरीदते हैं फिर उसकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। और अगर आपको बेचने वाला पसंद आ गया हो तो बेशक वो आप हाई प्राइस के ऊपर अपने आपको बेचे, अपनी प्रोडक्ट को बेचे, आप उसे खरीद लें, राइट? सो अगेन, ये वाला कॉन्टेंट जो है वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आपको बॉडी लैंग्वेज की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी कोऑर्डिनेशन और लोगों के साथ आपकी सोशल टर्म्स जो आप डेवलप कर लेते हैं उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू हैव टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट, राइट? मैं प्रोडक्ट जो है वो अब आपके सामने बेच रहा हूं। प्रोडक्ट जो मैंने अपने ऊपर तारीफ की हुई थी वो मैं पूरे सेशन में बेचता रहा हूं। प्रोडक्ट जो है वो आप बेच रहे हो आपके सामने, और आप गौर कीजिए कि आपको, आप कहते हैं जी सामने समझ आ गई मुझे, अब आपको ये वाली चीज आपके ऊपर भारी लग रही होगी, वो दो ढाई घंटे आपको भारी, राइट? सो दिस इज हाउ लॉन्ग यू है। आइंस्टाइन कहता था द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर पीपल इज वॉट, That I stay long with the problems. So the longer you stay with the problem, the better solutions you will get. हम होते हैं बस जल्दी से सर से उतार के फेंकते हैं इसे, right? So stay long with your problem. अपनी introvert being your introvert, उसके साथ ज्यादा उसके अंदर pride लेना शुरू कर दें, ठीक है? और मैंने जो आपको मैंने एक डिक्टम दिया कि जितने बेहतरीन स्पीकर्स गुजरे हैं वो सारे के सारे या ज्यादातर उनमें से इंट्रोवर्ट्स थे, और इन्होंने जो उस्ताद मोहतरम के बारे में आपसे बात की है, राइट? सो प्लीज टेक प्राइड इन दैट और उसके ऊपर माउंट अप करें। आगे बढ़ते हैं जी क्विकली। लुकिंग इन टू आर सेल्व्स, नॉट ग्लांसिंग एट अ सेल फोन ड्यूरिंग अ मीटिंग। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अपने गैजेट्स जो है, आपने देखा कि मैं ब्रेक टाइम के अंदर अपने गैजेट्स के ऊपर नजर मारता था, उसके अलावा अपने गैजेट्स के ऊपर मैं नहीं देख रहा था। यानी आपको एक स्पेसिफिक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो अपने ऑडियंस तक प्रिवेल करवानी होती है। अगली चीज देख रहे हैं आप,
ये चीजें आपने नहीं करी। क्यों? आपका अपने ऑडियंस से रابطہ टूट जाता है इससे। इट सीम्स एज इफ यू आर ट्राइंग टू शाय अवे। ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है? खुली किताब नहीं जिस तरह होती, आपने अपने आप को एक खुली किताब की तरह अपनी ऑडियंस के सामने पेश करना है, और अल्टीमेटली आपको महसूस होगा कि हर शख्स आपके लिए खुल चुका हुआ है, ओपन टू यू, राइट? ओके, इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। इसमें मैं एक खास चीज आपको बता दूं कि बस जो आपकी कन्वर्सेशन जोन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप अगर किसी के सामने खड़े हैं तो इस तरह से खड़े हैं कि उसके पैरों के टोज जो है वो आपको नजर आ रहे हो, एक सेफ डिस्टेंस। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनर्स जो हैं वो इतनी जल्दी अपनी इंटरेक्शन जो है वो ऑडियंस के साथ डेवलप कर लेते हैं कि ऑडियंस खुद जो है वो पर्सनल जोन में पहुंच जाते हैं। लेट मी रीफ्रेज द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। सो जरा थोड़ा सा सम अप कर लें, फॉर बॉडी लैंग्वेज एंड फॉर नॉन वर्बल्स। अगर आपने वे करना हो कि नॉन वर्बल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या वर्बल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो आपके ख्याल में कौन सी चीज होगा? आपने वो फॉर्मूला तो सुना होगा आज तक, शाबाश, जिसमें कि टोटल 100% ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन इज डन बाय 55% इज डन थ्रू बॉडी लैंग्वेज ओनली। 55% कहते हैं कि इंसान के चेहरे के अंदर 80 मसल्स होते हैं, लैंग्वेज साइंटिस्ट्स कहते हैं 80 मसल्स होते हैं, और इन 80 मसल्स से इंसान 7000 डिफरेंट एक्सप्रेशंस दे सकता है। और आज हमें एक एक एक्सप्रेशन के ऊपर काफी मसला हो रहा था ना जी। सो एज अ ट्रेनर आपने काफी सारी चीजें एग्जिबिट करनी है और लोगों के एक्सप्रेशन को भी डिसाइफर करते रहना है। 38% इज डन थ्रू योर टोनैलिटी, थ्रू योर टोनैलिटी, यस, योर टोन। आवाज को ऊपर नीचे करना, भारी करना, बारीक करना, ये आर्ट जो है वो आपके अंदर मौजूद, टू हेल्प सूट द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और सिर्फ 7% जो है वो वर्बल्स होते हैं आपके पास। सो प्लीज इस फॉर्मूले को जहन में रखिए, और जब भी अपने सेशंस में आप जाएं तो इस चीज को एग्जिबिट करने की भी कोशिश कीजिए, अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेस एंड टू हेल्प यू एंगेज द ऑडियंस वेरी क्विकली विद योर सेल्फ, राइट? आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी से आपको अपने फॉर्मूले के ऊपर लेकर जा रहा हूं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज दिस जी, 5 ग्रेट थिंग्स टू बी एक्सेप्शनल। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इज, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप सीरियस हैं, प्लीज गेट अ कंप्लीट मास्टरी ऑन योर कॉन्टेंट फर्स्ट। क्या सोच डिलीवर करने के लिए जाना है, उस सोच को अपने ऊपर तारी करें, उस टेक्स्ट को, उस कॉन्टेंट को अपने ऊपर तारी कर लें, दैट इट स्टार्ट्स स्पीकिंग टू योर बॉडी, इट स्टार्ट स्पीकिंग थ्रू योर आईज। इतनी, और वो ऐसा महसूस हो आपको कि वो सब चीजें जो है वो खुद चीख चीख कर आपके अंदर से बोल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व। मैं आया, आपने मुझे ऑब्जर्व किया, मैंने आपको ऑब्जर्व किया, मैंने डेटा रिसीव करना शुरू किया। मेरा दोस्त अब मुझे जब भी देखता है मुस्कुराता है, ठीक है? और मुजफ्फर साहब, यू आर अ फ्रेंड फॉर लाइफ। आई नो मुजफ्फर को अब मैं चेंज करना चाहूं, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूं, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है एज अ ट्रेनर। यू गिव मी मोर टाइम विद हिम, मैं इसको जैसी बॉडी लैंग्वेज कहेंगे मैं इसको सिखा दूंगा। और जो इसने शुरू में कहा था ना आई फॉलो आर्मी, ये वो छोड़ देगा सारी चीजें, ऑनेस्टली ही इज अ फ्रेंड फॉर लाइफ। सो यू हैव टू विन पीपल, ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व, क्योंकि हर शख्स जो है उसका बदलने का अंदाज निराला होता है। एक्चुअली ये नहीं है कि वो बदलना नहीं चाह रहा होता, वो अपने अंदाज में बदलना चाह रहा होता है। सो गो विन, ऑब्जर्व, विन एंड देन डू द जॉब। कम्युनिकेट, फर्स्ट यू डेवलप योर मास्टरी, देन यू ऑब्जर्व एंड देन यू कम्युनिकेट। वॉट एवर यू हैव एज फार एज योर मास्टरी इज कंसर्न, यू कम्युनिकेट इट टू पीपल। मैंने बोला था ना सुबह कि अगर आप बेहतरीन हैं और आपने अपने आप को बेहतरीन के तौर पर मनवा भी लिया है, लेकिन वो बेहतरीनियत जो है वो आपके आपके साथ ही कब्र में चली जाती है, तो आप बेहतरीन नहीं हैं। और इस प्लेटफॉर्म से आपको पता है ना, इस प्लेटफॉर्म से जो जो है वो सबको वैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, जस्तजू कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा था कि आपने सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि आपने आगे फिर
आग लगानी है एक हर तरफ कि ये आने वाले 10 साल इस कौम को किस्मत ही बदल के रख दे आप लोगों को। थैंक यू। उसके लिए थैंक यू, उसके लिए हमें एक्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड देन लास्ट इज, आपने बहुत कुछ मास्टरी हासिल कर ली, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, उसके मुताबिक आपने उसे कम्युनिकेट किया, फिर आपने अपने एक्शंस के जरिए उसे साबित करना शुरू कर दिया बॉडी लैंग्वेज आपकी, राइट। एंड देन इज व्हाट, आपकी हर तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है, आपका हर तरह का इल्म जो है, आपकी हर तरह की गुफ्तगू जो है, वो दूसरे लोगों को तस्कीन और आराम और सुकून और कंटेंटमेंट पहुंचाने के लिए हो, तब कहीं जाके आपकी जॉब मुकम्मल होगी। आई होप कि मेरे ये 3 घंटे जो हैं, आई कुड कम सम हाउ आपके जो दिलों में जो इज़्ज़राब था बॉडी लैंग्वेज के हवाले से और बीइंग अ ट्रेनर क्या कुछ हो सकता है उसके हवाले से, मैं कुछ थोड़ी सी तस्कीन का बायस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।